हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, अपना टारगेट एसबीआई पीओ बैच आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास देखते हैं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब भाई रीजनिंग की बात हो रही है तो पजल से इंपॉर्टेंट और कोई भी टॉपिक नहीं है, तो आज हम देखने वाले हैं एक पजल का बहुत ही बढ़िया सेट। ये वाला जो सेट है ना, आप मान के चलो प्रीलिम्स से थोड़ा ऊपर लेवल का है और भाई हमें पता है कि एसबीआई हर बार हमें सरप्राइज करता ही करता है, तो इसका मतलब हमें प्रीलिम्स से थोड़ा ऊपर की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से चालू करनी पड़ेगी और इसी वजह से आज हम प्रीलिम्स से थोड़े ऊपर लेवल का पजल देखने वाले हैं। अब भाई आज का पजल किस टॉपिक पे है? भाई आज का पजल है हमारा फ्लोर बेस्ड पजल। फाइन, और ये नॉर्मल फ्लोर बेस्ड पजल नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसे होता है फ्लोर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उस टाइप का नॉर्मल पजल नहीं है। ये कैसा पजल है कि हर फ्लोर पे दो फ्लैट है, मतलब फ्लोर नंबर 1 पर दो फ्लैट है, वैसे ही फ्लोर नंबर 2 पर दो फ्लैट है, फ्लोर नंबर 3 पर दो फ्लैट है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और डायरेक्टली पजल को पढ़ना चालू करते हैं। अब भाई आज की क्लास का मेथड क्या रहेगा? भाई यहां जब स्क्रीन पे क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा और मैं जैसा जैसा सॉल्व करूंगा वैसा वैसा आपको भी अपना कॉपी पेन लेके बैठना है। भाई देखो, क्वेश्चन मैं खुद के लिए तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, भाई एग्जाम मुझे नहीं निकालना है। मुझे एग्जाम निकालना तो 2017-18 में, तब मैं एग्जाम निकाल चुका हूँ और आज मैं बैंक में हूँ। अब बारी आपकी है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जगह मैं मेहनत नहीं कर सकता, आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, सॉल्व करने का तरीका बता सकता हूँ, बट इसके लिए आपको भी अपना कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों को क्लियर आउट कर लेते हैं, फिर फटाक से अपना क्वेश्चन करना चालू करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ। देयर आर 10 पर्संस दैट इज एफ आई के एम क्यू आर एस टी यू एंड एक्स एंड आर लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग 5 फ्लोर्स। भाई 5 अलग अलग फ्लोर हैं, टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हर फ्लोर पर दो अलग अलग फ्लैट्स हैं, तो 5 × 2 = 10 हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Such that ground floor is numbered 1 and the floor above 1 is numbered at 2 and so on. मतलब सबसे नीचे 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 फ्लोर हैं। Each floor has 2 flats, flat A and flat B. हर फ्लोर के ऊपर दो फ्लैट्स हैं, फ्लैट ए और एक फ्लैट बी। ओके, आगे पढ़ो क्या लिखा है। फ्लैट ए इज एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। फ्लैट ए फ्लैट बी के वेस्ट में है। वेस्ट में होने का क्या मतलब होता है कि चीज आपके लेफ्ट में है। लेफ्ट साइड होता है हमारा वेस्ट साइड। भाई ईस्ट होता है हमारा राइट साइड पे और वेस्ट होता है हमारा लेफ्ट साइड पर। फाइन, इसका मतलब क्या है? भाई ए फ्लैट और बी फ्लैट कहाँ आएगा? भाई ए फ्लैट बी फ्लैट के वेस्ट में है, मतलब बी फ्लैट आ गया ईस्ट में और ए फ्लैट आ गया वेस्ट में, मतलब पहले ए होगा और फिर आएगा बी। ठीक है, समझ आ गया। आगे पढ़ो। Only one person lives in each flat. हर फ्लैट पे एक बंदा रहता है। And they belong to different city. That is Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Pune, Cochin, Kanpur, Raipur and Srinagar. Not necessarily in the same order. और ये 10 अलग अलग सिटीज के नाम दिए हैं। 10 बंदे 5 फ्लोर पे 2 फ्लैट्स में रहते हैं और 10 के 10 अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। फाइन, चलो इसको साफ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर दें। चलो भाई हो गया साफ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो यहां से पढ़ते हैं। यू डजंट लिव इन फोर्थ फ्लोर। यू फोर्थ फ्लोर पर नहीं रहता। भाई यू फोर्थ फ्लोर पर नहीं रहता। ओके, आगे पढ़ो। आई हु बिलोंग्स टू कोचिन लिव्स इन सेकंड फ्लोर ऑफ फ्लैट बी। आई जो कोचिन से बिलोंग करता है वो सेकंड फ्लोर के फ्लैट बी में रहता है। ओके ओके ओके, ऐसा करते पहले बना लेते हैं पूरा अरेंजमेंट। देखो मैंने इतना नॉर्मल अरेंजमेंट बना रखा है, भाई 5 फ्लोर और हर फ्लोर पर 2 फ्लैट। ठीक है, फ्लैट ए फ्लैट बी क्या था? भाई लेफ्ट वाला होगा फ्लैट ए और राइट वाला होगा फ्लैट बी। फाइन, इतना हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई बिलोंग्स टू कोचिन एंड लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर ऑफ फ्लैट बी। सेकंड फ्लोर पर फ्लैट बी में रहता है आई, जो कि कहां से बिलोंग करता है? बिलोंग करता है बाई कोचिन से। चलो इतना लिख के ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, इतना हो गया। आगे पढ़ते हैं। टू फ्लोर्स आर बिटवीन आई एंड एफ। आई और एफ के बीच में दो फ्लोर हैं। ओके, अब भाई मुझे आप ये बताओ, ये रहा आई सेकंड फ्लोर पर, अब क्या आई के नीचे जगह है एफ जाने का? भाई आई और एफ में टोटल 2 फ्लोर का गैप है। क्या आई वाला जो बंदा है उसके नीचे जगह है? भाई आई है सेकंड फ्लोर पर, उसके नीचे बस एक ही फ्लोर है, इसका मतलब एफ आई के ऊपर आएगा। ऊपर 2 फ्लोर का गैप करो, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, मतलब एफ कहां आ गया? एफ आ गया मेरा यहां 5th फ्लोर पर।
अब मुझे ये नहीं पता कि F फ्लैट A में रहता है या फ्लैट B में रहता है, तो यहाँ कोने में अलग से लिख लो पर्सन F लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहां तक हो गया। थ्री फ्लोर्स आर बिटवीन F एंड Q, F और Q के बीच में तीन फ्लोर है, ये मुझे अगला गिवन है। कैसे बनाएंगे भाई, F और Q के बीच में टोटल तीन फ्लोर्स हैं। F आ गया मेरा टॉप मोस्ट फिफ्थ फ्लोर पर, तो Q कहां आएगा, उसके नीचे ही आएगा, F के ऊपर तो जगह है नहीं। F के नीचे तीन फ्लोर का गैप करो, एक फ्लोर का गैप, दो फ्लोर का गैप, तीन फ्लोर का गैप, इसका मतलब Q कहां आ गया, Q आ गया मेरा यहां फर्स्ट फ्लोर पर। Q लिखो यहां फर्स्ट फ्लोर पर, और इसको भी एक बॉक्स में डाल लो जिससे हमें याद रहेगा कि Q फर्स्ट फ्लोर पर है, पर अभी मुझे फ्लैट नहीं पता कि फ्लैट A में आएगा या फ्लैट B में आएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। As much as above floor of Q is same as the below floor of X, मतलब जितने फ्लोर Q के ऊपर हैं उतने ही फ्लोर X के नीचे भी हैं। Q के ऊपर और X के नीचे बराबर नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। Q के ऊपर कितने फ्लोर हैं भाई, Q के ऊपर 1, 2, 3, 4 चार फ्लोर हैं, तो चार ही फ्लोर X के नीचे भी होंगे। मतलब X कहाँ आएगा, X आ गया मेरा यहाँ टॉप फ्लोर पर, फिफ्थ फ्लोर पर, तभी तो 1, 2, 3, 4 फ्लोर X के नीचे आएंगे। ये वाली कंडीशन भी सैटिस्फाई हो गई, मतलब X और F ये दोनों बंदे फिफ्थ फ्लोर पर आते हैं, ये हमारा फाइनल हो गया। ओके ओके, कहां तक पढ़ लिया हमने, यहां तक पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। K who belongs to कानपुर, भाई K वाला जो बंदा है वो कानपुर से बिलोंग करता है, यहां लिख लेते हैं K belongs to कानपुर, इसको बॉक्स में डाल लेते हैं। आगे पढ़ो, लिव्स विद सेम फ्लोर ऑफ U, वो U के साथ सेम फ्लोर पर रहता है, मतलब K and U lives on the same floor। Okay, चलो आगे पढ़ो। T's floor is not adjacent floor of K's floor। भाई T और K आजू बाजू वाले फ्लोर पे नहीं रहते, मतलब K जहां भी रहता है T ना तो उसके ऊपर आएगा और T ना ही उसके नीचे आएगा, ये भी एक मुझे इंफॉर्मेशन मिला। ओके आगे पढ़ो, कहां तक हो गया, हाँ यहां तक हो गया। नो फ्लोर इन बिटवीन T एंड S, T और S के बीच में कोई फ्लोर नहीं है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट फ्लोर्स पर रहते होंगे। Who belongs to Chennai? S belongs to Chennai और T और S के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, मतलब T और S नीचे लिखोगे S/T and S belongs to Chennai, S belongs to Chennai, ये लिखो और इसको एक बॉक्स में डाल लो। ओके चलो आगे पढ़ते हैं। One floor is between the one who belongs to Chennai and the one who belongs to Kolkata। चेन्नई और कोलकाता वाले बंदे के बीच में कितने लोग हैं, उन दोनों के बीच में एक पर्सन है। चलो एक और ब्लैंक पेज करते हैं, इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, चेन्नई वाले बंदे के बीच में और कोलकाता वाले बंदे के बीच में टोटल एक बंदा है। यहाँ पे एक का गैप करो और यहाँ पे क्या लिखोगे, Kolkata/Chennai। ठीक है, इसको एक बॉक्स में डाल लेते हैं, ये मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक क्वेश्चन में मिल गई है। ठीक है ना, यही था। चलो आगे पढ़ो। टू फ्लोर्स आर बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता एंड द वन हु बिलोंग्स टू रायपुर। कोलकाता और रायपुर वाले के बीच में टोटल दो फ्लोर्स हैं। Kolkata/Raipur के बीच में दो फ्लोर्स हैं। 1, 2 यहाँ पे लिख लो Raipur/Kolkata। ठीक है, इसको भी एक बॉक्स में डाल लो, इसको भी एक बॉक्स में डाल लो। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है। R lives immediately above U। R immediately above U रहता है। R immediately above U रहता है। देखो भाई इतना इन्होंने बताया, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन दोनों का फ्लैट का नाम सेम है, मतलब ये दोनों या तो ए फ्लैट में रहते होंगे या बी फ्लैट में रहते होंगे। फ्लोर ऊपर नीचे का होगा दोनों का, बट आर और यू का फ्लैट या तो ए होगा या दोनों का ही फ्लैट बी होगा, इस सेंटेंस से मुझे ये समझ आया। ठीक है आगे पढ़ो। एम एंड द वन हु बिलोंग्स टू बैंगलोर लिव इन डिफरेंट फ्लोर। एम और बैंगलोर वाला बंदा एक फ्लोर पर नहीं रहता है, एम और बैंगलोर वाला बंदा एक फ्लोर पर नहीं रहता है, इसको एक बॉक्स में डाल लो। ठीक है भाई आगे पढ़ो क्या लिखा है। वन हु बिलोंग्स टू बैंगलोर एंड द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट एंड डिफरेंट फ्लोर। बैंगलोर और मुंबई वाले बंदे का फ्लोर भी अलग है और फ्लैट भी अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग फ्लोर्स में रहते हैं और इनमें से एक रहता होगा फ्लैट ए में और एक रहता होगा फ्लैट बी में। ठीक है ओके आगे पढ़ते हैं। वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड द वन हु बिलोंग्स टू पुणे आर लिविंग इन द सेम फ्लैट। मतलब दिल्ली वाला बंदा और पुणे वाला बंदा दोनों सेम नाम के फ्लैट में रहते हैं, मतलब दोनों या तो फ्लैट ए में होंगे या दोनों ही फ्लैट बी में होंगे। ओके आगे पढ़ो। क्यू डज नॉट बिलोंग टू रायपुर मुंबई एंड दिल्ली। भाई क्यू ना तो रायपुर का है, भाई क्यू ना तो है रायपुर का, भाई क्यू रायपुर का नहीं है, Q
क्यों मुंबई का भी नहीं है और क्यों दिल्ली का भी नहीं है, क्यों दिल्ली का भी नहीं है, क्रॉस करो और इसको एक बॉक्स में डाल लो। चलो भाई कहां तक हो गया, आगे पढ़ो। एम डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता, एम कोलकाता का नहीं है, ओके। आर डजंट लिव इन फ्लैट ए, आर फ्लैट ए में नहीं रहता, तो यहां पे लिख लो कि आर फ्लैट ए में नहीं रहता, इसको ऐसे लिख लो, फ्लैट ए में आर नहीं रहता, ओके। आगे पढ़ो, क्यू, यू एंड क्यू डजंट बिलोंग टू बैंगलोर, क्यू और यू भी बैंगलोर के नहीं है। पुणे एंड कोची लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट, पुणे और कोची भी मुंबई और बैंगलोर वाले की तरह अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली, एक्स दिल्ली को बिलोंग नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब हमने पूरा का पूरा पजल पढ़ लिया, जितनी जितनी इंफॉर्मेशन मुझे रेलिवेंट लगी मैंने अलग से लिख ली, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे आगे चालू करना है। देखो मैंने कहां तक कर लिया, मुझे ये पता है एफ और एक्स ये दोनों के दोनों फ्लोर नंबर 5 पे आएंगे, एक चीज। पर्सन आई फ्लोर नंबर 2 पे आएगा और पर्सन क्यू फ्लोर 1 पे आएगा। इतनी चीजें मुझे क्लियर हो गई, मतलब 1, 2, 3, 4 लोगों के बारे में मुझे पता है कि वो किस फ्लोर पर आएंगे, ठीक है। एक और चीज जो मुझे यहाँ पे इन्होंने बताई थी वो क्या था, के और यू भी सेम फ्लैट पर आएंगे। ये देखो यहां मैंने लिखा के और यू सेम फ्लोर पर आएंगे, सॉरी दोनों का फ्लोर सेम है, के और यू दोनों सेम फ्लोर पर आएंगे। देखो यहां से एक चीज आपको बताता हूं, दोनों सेम फ्लोर पर आएंगे इसका मतलब क्या है, एक फ्लोर का फ्लैट ए और फ्लैट बी दोनों खाली होने चाहिए, उसमें से एक में आ जाएगा क्यू के और एक में आ जाएगा यू, ठीक है। इतनी बात, दोनों को सेम फ्लोर पे आने का क्या मतलब है भाई, के और यू के पास बस दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं, या तो ये आ जाए फ्लोर नंबर 3 पे या तो ये आ जाए फ्लोर नंबर 4 पर, बिकॉज फ्लोर नंबर 5 पे ऑलरेडी एफ और एक्स है, फ्लोर नंबर 2 पे आई है और फ्लोर नंबर 1 पे क्यू है, मतलब के और क्यू दोनों बैठने की बस दो ही जगह है, या तो फ्लोर नंबर 4 या तो फ्लोर नंबर 5, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ऐसा एक और अरेंजमेंट बना लेते हैं, बिकॉज दो पॉसिबिलिटी हो गई है, के और यू या तो फ्लोर नंबर 4 पे होंगे या फ्लोर नंबर 3 पर होंगे। चल भाई कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया, दो अरेंजमेंट मेरे बन गए अलग अलग, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार के और यू के लिख लेते हैं अपने फ्लोर नंबर 4 पर और एक बार इनको लिख लेते हैं फ्लोर नंबर 3 पर, ठीक है। चलो इतनी चीजें मुझे हो गई क्लियर। अब देखो एक और चीज जो मुझे यहाँ पे पता था वो क्या था, यहाँ देखो के और टी दोनों एडजेसेंट फ्लोर्स पर नहीं रहते, के और टी एडजेसेंट आजू बाजू वाले फ्लोर पर नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर के यहाँ आएगा, मतलब के अगर आएगा 4th फ्लोर पर तो टी यहाँ पर 3rd फ्लोर पर नहीं आएगा, मतलब टी के पास दो ही पॉसिबिलिटी बचती है, या तो टी आ जाए यहाँ पर फ्लैट ए में फ्लोर नंबर 2 के, या फिर टी आ जाए यहाँ पे फ्लैट पे फ्लोर नंबर 1 पर, ठीक है। और अगर यहाँ पे के आ गया मेरा फ्लोर नंबर 3 पर, यहाँ पे के फ्लोर नंबर 3 पर है, तो टी ना तो यहाँ आ पाएगा फ्लोर नंबर 4 पर और ना ही फ्लोर नंबर 2 पर। इसका मतलब टी के पास बस एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि टी आ जाए मेरा फ्लोर नंबर 1 पर क्यू के साथ, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पे मेरे टी की, बहुत बढ़िया। अब भाई जैसे ही हमने टी को बिठा दिया, समझो टी के साथ भी मुझे एक पॉसिबिलिटी पता था, यहाँ पे कहा मैंने लिखा था, हाँ ये देखो मैंने लिखा है टी और एस एडजेसेंट फ्लोर्स पर रहते हैं, टी और एस आजू बाजू ऊपर नीचे वाले फ्लोर्स पर रहते हैं। इसका मतलब अगर टी यहाँ पे मेरा फर्स्ट फ्लोर पर आ गया तो एस का क्या डिसाइड हो गया कि एस आ गया मेरा सेकेंड फ्लोर पर, और एस कौन सा बंदा है, एस बिलोंग करता है मेरा चेन्नई से, मतलब इस पॉसिबिलिटी में एस की जगह ही फाइनल हो गई। वहीं अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो यहाँ पे टी के दो जगह है, या तो टी आ सकता है सेकंड फ्लोर पर या तो टी आ सकता है फर्स्ट फ्लोर पर। यहां से टी को हटा देते हैं, अब टी के यहाँ पे है मेरे पास दो जगह है, मतलब एस के भी मेरे पास दो प्लेसेस हो जाएंगे, ओके। तो चलो इसमें अभी छोड़ देते हैं, इसमें एस को अभी नहीं बिठाते। अब देखो एक जो चीज हम यहाँ मिस कर रहे हैं ये वाला, हाँ ये देखो ये इसका कलर चेंज करते हैं, ये वाला देखो पॉसिबिलिटी कि यू मेरा 4th फ्लोर पर आ ही नहीं सकता भाई, यू मेरा अगर 4th फ्लोर पर नहीं आएगा, मतलब ये वाला के और यू यहाँ पर नहीं आ सकते, इसका मतलब ये वाली मेरी पूरी पॉसिबिलिटी ही गलत हो गई। इसका मतलब बस एक ही पॉसिबिलिटी बची मेरे पास भाई, पॉसिबिलिटी ये वाली, इसका मतलब टी और क्यू आएगा मेरा फ्लोर 1st पर, के और यू आएगा मेरा फ्लोर नंबर 3 पर और एफ और एक्स आएगा मेरा फ्लोर नंबर 5 पर। इसका मतलब कितने लोगों की जगह ऑलरेडी डिसाइडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दो लोगों की जगह बची है बस, दो लोग क्या है, आर और एम, आर और एम। और मुझे क्या पता है, देखो यहाँ पे आर फ्लोर ए पे नहीं आता भाई, यहाँ पे फ्लोर ए, यहाँ लिखो फ्लोर बी,
कि आर फ्लैट ए में नहीं आता, भाई ये फ्लैट ए है, यहाँ पे लिख लो फ्लैट बी, आर फ्लैट ए में नहीं आता, इसका मतलब आर आएगा फ्लैट बी में और एम आ जाएगा मेरा फ्लैट ए में। फटाक से हो गया इतनी चीज, मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस के दस लोगों को मैंने यहाँ पे बिठा लिया। अब भाई और मुझे क्या पता है, भाई देखो ये जो चीजें मुझे पता है कि भाई आर कानपुर से बिलोंग करता है एक चीज, और ये वाली चीज देखो आर और यू एडजेसेंट बैठते हैं, जिसमें आर यू के जस्ट ऊपर बैठता है। इससे मुझे एक और चीज क्या क्लियर हो गई कि यू आएगा मेरा यहाँ पे फ्लैट नंबर बी में और के हो जाएगा मेरा फिर फ्लैट नंबर ए में। फाइन, आर और यू सेम फ्लैट्स में आते हैं। फाइन, और क्या चीज मुझे यहाँ पे गिवन है कि के बिलोंग करता है यहाँ पे मेरा कानपुर से। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 छह लोगों को मैंने एग्जैक्टली उनकी जगह पे बिठा लिया है। इसको क्लियर आउट करते हैं, साफ साफ लिखते हैं। चलो भाई, आर ए में नहीं आएगा, ये भी मैंने कर लिया, यहाँ से इसको हटाओ। और क्या क्या मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, भाई देखो यहाँ पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ये वाली यूज हो चुकी है, आर कानपुर से है, यू फोर्थ पे नहीं बैठेगा, ये सारी हटा लो जो जो यूज हो चुकी है, ये हो गया और ये हो गया, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज की मेरी यूज हो चुकी है। यहाँ पे देखो कोई इन्फॉर्मेशन अगर बचती है तो एम और बैंगलोर सेम फ्लोर पर नहीं आएगा, एक चीज, चेन्नई और कोलकाता में एक फ्लोर का गैप है और कोलकाता और रायपुर में दो फ्लोर का गैप है। ओके, कोलकाता रायपुर में दो फ्लोर का गैप है, पर इससे मुझे क्या समझ आता है, देखो इससे मुझे एक जो चीज समझ आती है कि ये जो नीचे वाला है ये तो हो सकता है या तो फ्लोर नंबर वन या टू, और ऊपर वाला हो सकता है फ्लोर नंबर टू, सॉरी, और ऊपर वाला हो सकता है फ्लोर नंबर फोर या फाइव, मतलब अगर ये वन होगा तो टू थ्री फोर हो जाएगा, और अगर ये फ्लोर टू होगा तो थ्री फोर फाइव हो जाएगा, ठीक है। मतलब रायपुर और कोलकाता वाला जो कॉम्बिनेशन है वो फ्लोर नंबर वन टू या फोर फाइव पे आएगा। ओके, वन टू या फोर फाइव, वन टू, टू पे तो आ ही नहीं सकता भाई, टू पे चेन्नई और कोचिन पहले से है, मतलब कोलकाता या रायपुर वाला बंदा यहाँ पर आएगा फर्स्ट फ्लोर पर, कोलकाता या रायपुर वाला बंदा आ गया मेरा फर्स्ट फ्लोर पर, फोर्थ फ्लोर पर कौन आएगा, और इसके दो फ्लोर के ऊपर आएगा कोलकाता रायपुर अगेन, मतलब एक बंदा इनमें से बैठेगा यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर और एक बैठेगा फोर्थ फ्लोर पर। मुंबई का क्या मुझे कुछ पता है, भाई मुंबई बैंगलोर नहीं आता। ओके, और क्या मुझे एम का कुछ और गिवन है, भाई देखो एम डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, एम कोलकाता को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब आर कोलकाता को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो आर में लिख दो यहाँ पे कोलकाता, यहाँ ब्रैकेट डालो, यहां से इसको हटा लेते हैं, साफ साफ लिख के ये ब्रैकेट बना लेते हैं, इसका ये ब्रैकेट में डाल दो, आर लिव्स इन कोलकाता। फाइन, अब मुझे कितनों का पता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 तो मैंने लोग बिठा लिए और 1 2 3 4 लोगों का मुझे सब कुछ पता चल गया। अब मुझे और क्या पता है, भाई यहां से पहले कोलकाता हटाओ। अब भाई मुझे एक और चीज जो पता है, कोलकाता का कॉम्बिनेशन एक और था, ये वाला हो गया, इसको हटा लो, कोलकाता और चेन्नई में एक फ्लोर का गैप है, कोलकाता और चेन्नई में एक फ्लोर का गैप है। हाँ, ये तो ऑलरेडी बन गया ना भाई, एस हमारा है चेन्नई में, आर हो गया कोलकाता, तो एक फ्लोर का गैप हो गया। चलो ये तो हो ही गया मेरा, आर कोलकाता में है, एस चेन्नई में है, एक फ्लोर का गैप हो गया इनका, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन भी मेरा हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, एम और बैंगलोर सेम फ्लोर पर नहीं आते, एम और बैंगलोर सेम फ्लोर पर नहीं आते, ठीक है, मतलब आर बैंगलोर नहीं है तो ठीक है, और एम भी बैंगलोर नहीं होगा, ठीक है, बैंगलोर नहीं होगा, मतलब बैंगलोर के लिए तीन जगह बची, 1 2 3। ओके, चलो इतना हो गया, मतलब ये भी हो गया, और क्यू रायपुर नहीं है, मुंबई नहीं है और दिल्ली नहीं है, क्यू रायपुर मुंबई और दिल्ली नहीं है, रायपुर मुंबई और दिल्ली से क्यू को बिलोंग नहीं कराना, मतलब क्यू ना तो रायपुर है ना तो मुंबई है और ना ही दिल्ली है, यहाँ पे लिख लेते हैं सेम पेज पे, इसमें मुझे याद रहेगा। एक चीज हो गई, रायपुर यहाँ आ रहा है, मतलब टी हो गया मेरा रायपुर, ये तो फाइनल हो गया कि टी है मेरा रायपुर, ये एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, टी हो गया मेरा रायपुर, यहाँ से चाहे तो रायपुर को हटा ही लो, क्यू मुंबई नहीं है और क्यू दिल्ली नहीं है। कितनी जगह बची हैं भाई सिटीज जिनकी मुझे नहीं पता, 1 2 3 4 5, बहुत कुछ बचा है भाई अभी तो क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला, पर ये भी मैंने इंप्लीमेंट कर लिया, इसको हटाओ, मतलब अब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, अब क्या क्या एक्चुअली बचा है मेरा ये देखना है मुझे। भाई देखो यहां से ना फिर से पढ़ना चालू करते हैं, वन हु बिलोंग्स टू बैंगलोर एंड मुंबई लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट्स, मुंबई और बैंगलोर वाला बंदा ना अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंट फ्लैट, फ्रेंड फ्लैट्स में रहते हैं बैंगलोर और मुंबई वाले बंदे, चलो एक चीज हो गई। आगे पढ़ो क्या लिखा है, वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड द वन हु बिलोंग्स टू पुणे आर लिविंग टू सेम फ्लैट, पुणे और दिल्ली वाले बंदे सेम फ्लैट में रहते हैं, पुणे और दिल्ली वाला बंदा सेम फ्लैट में रहते हैं, भाई यहाँ पे लिख लो सेम, अब सेम लिख लिया, जगह देखते हैं, पुणे दिल्ली सेम फ्लैट में रहते हैं,
पुणे दिल्ली 1 2 3 यहां आ सकता है, 1 2 3 यहां आ सकता है, ठीक है, अभी फिक्स नहीं हुआ इसको भी। आगे पढ़ो और क्या लिखा है, एम डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता, यूज हो चुका। आर डज नॉट लिव इन फ्लैट ए, यूज हो चुका। क्यू एंड यू डज नॉट बिलोंग टू बैंगलोर, क्यू और यू बैंगलोर से बिलोंग नहीं करते हैं, ये भी लिख लेते हैं। क्यू भी बैंगलोर से बिलोंग नहीं करता है, क्यू बैंगलोर से भी बिलोंग नहीं करता है, वैसे ही यू भी बैंगलोर से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे बैंगलोर लिख के कट कर लो। ओके, आगे पढ़ो क्या लिखा है, पुणे कोची लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट, पुणे और कोची भी डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं, मतलब पुणे और कोची भी डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं। कोची का तो भाई मुझे ऑलरेडी पता है, कोची तो भाई यहाँ पे रहता है फ्लैट नंबर बी में, आई है कोची वाला बंदा फ्लैट बी में रहता है, मतलब पुणे वाले बंदे की जगह डिसाइड हो गई, फ्लैट ए में आएगा, डिफरेंट फ्लैट्स हैं दोनों के, तो फ्लैट ए में आ गया पुणे वाला बंदा। फ्लैट ए में जैसे ही आया पुणे वाला बंदा, पुणे और दिल्ली वाले बंदे सेम फ्लैट में रहते हैं, मतलब दिल्ली और पुणे दोनों ही फ्लैट ए में रहेंगे, फ्लैट ए में दोनों ही रहेंगे, पुणे वाला बंदा और इसी के साथ दिल्ली वाला बंदा, ठीक है भाई। चलो बहुत चीजें हो गई अभी तक मेरी क्लियर। और मुंबई और बैंगलोर अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं, मुंबई और बैंगलोर अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं, बैंगलोर का मुझे डिसाइडेड नहीं है, मुंबई का भी मुझे डिसाइडेड नहीं है। अबे देखो हमें आगे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़े, देखो यहां मुझे जो एक चीज पता है ये देखो कि मुंबई और बैंगलोर अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, एक्चुअली अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट। एम और बैंगलोर वाला बंदा अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं, अब मुझे यहाँ पे एम का फ्लैट पता है, भाई एम है फ्लैट ए में, तो ये तो बात फाइनल हो गई कि बैंगलोर आएगा मेरा फ्लैट बी में, भाई यहाँ पर आएगा मेरा बैंगलोर, ये तो फाइनल हो गया, इस सारे फ्लैट में आएगा। अब बैंगलोर के पास कितनी जगहें बचेंगी ये देख लो, 1 2 3 तीन जगह मेरे पास बैंगलोर के लिए। यहां तो बैंगलोर आएगा नहीं, कि भाई यहाँ पे यू है और मना कर दिया, यहाँ पे बैंगलोर नहीं है, तो यहां से हटा लो बैंगलोर को। अब और क्या जगह है बैंगलोर के पास, फर्स्ट फ्लोर पे देखो, या तो टी आएगा या क्यू आएगा, भाई टी ऑलरेडी रायपुर वाला है तो इसमें बैंगलोर आएगा नहीं। दूसरा बंदा है क्यू, ऑलरेडी बार बार हमने लिखा है कि क्यू को बैंगलोर नहीं है पसंद, मतलब यहां भी नहीं आ सकता, मतलब बैंगलोर की क्या जगह बची, बैंगलोर के पास बस एक ही जगह बचा कि बैंगलोर आ जाए मेरा फ्लोर नंबर 5 के फ्लैट नंबर बी में, यहां पे आ गया मेरा बैंगलोर। फाइन, इतना हो गया मुझे क्लियर, यहां से इसको भी इरेज कर लेते हैं, साफ साफ लिखते हैं। अब मुझे क्या पता है और क्या क्या गिवन है मुझे, भाई बैंगलोर को मैंने जैसे ही बिठा लिया, ये देखो मुंबई और बैंगलोर वाले बंदे अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट फ्लैट्स, बैंगलोर बिलोंग करता है फ्लैट नंबर बी से, इसका मतलब मुंबई कहां से बिलोंग करेगा, मुंबई बिलोंग करेगा फ्लैट नंबर ए से, यहां पे आएगा मुंबई। मुंबई के लिए कितनी जगह खाली है ये देखो, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, 3 जगह मुंबई वाले बंदे के लिए खाली है, बट फ्लोर नंबर 1 पे टी ऑलरेडी रायपुर का है और क्यू मुंबई नहीं जाता, यहां मुझे गिवन है, इसका मतलब यहां पर नहीं आ सकता मुंबई, 2 जगह बची मुंबई वाले के लिए, या तो फ्लोर नंबर 4 या फिर फ्लोर नंबर 5, बहुत बढ़िया। अब भाई एक और चीज जो मुझे यहां अभी अभी याद आया, देखो क्यू के पास ऑप्शंस कितने हैं, भाई कितनी जगह बची है, 1 2 3 4 5 6 मैं बिठा चुका हूं, बचा क्या क्या है, भाई बचा है मेरे पास यहां पर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, श्रीनगर, भाई ये 4-5 जगह बची है मेरे पास, बैंगलोर को भी बिठा चुका हूं, मतलब पुणे, मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, इतना मुझे पता है ये जगह बची है। इनमें से इस वाले रो में, मतलब फ्लैट ए में क्या क्या आएगा, पुणे, दिल्ली, मुंबई, ये 3 आएंगे, ओके। और मुझे क्या पता है क्यू मुंबई और दिल्ली नहीं हो सकता, क्यू मुंबई और दिल्ली नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास कि क्यू हो जाए यहाँ पे पुणे, क्यू हो जाएगा पुणे और पुणे आता है मेरा फ्लोर नंबर ए पे, मतलब फ्लैट नंबर ए में, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से ये सब क्लियर करो, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू हो गया मेरा पुणे वाला बंदा जो कि आएगा फ्लैट नंबर ए में। जैसे ही ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हो गया कि टी आएगा मेरा फ्लैट बी फ्लोर 1 पर, फाइन चीजें साफ करते हैं और क्लियर हो जाएगा हमारा, और साफ साफ दिखेंगे फिर हमें चीजें। चलो ये हटा लो यहां से, भाई क्यू भी मैंने बिठा लिया, ये मेरा क्लियर आउट हो चुका है। चलो भाई अब मेरे पास क्या क्या बचा है, भाई पुणे को मैं बिठा चुका हूं, यहां से हटा लो, 2 जगह बची हैं दिल्ली और मुंबई की, यहां 2 जगह में से एक में आएगा दिल्ली, एक में आएगा मुंबई, और श्रीनगर 1 2 3 4, श्रीनगर की बस एक ही जगह मेरे पास बची है, तो श्रीनगर हो गया मेरा यू, श्रीनगर आ गया यहाँ पे, 2 जगह 2 लोग, एफ और एक्स। एक्स के बारे में मुझे क्या क्या पता है, आखिरी में गिवन है एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली एंड बैंगलोर, एक्स दिल्ली और बैंगलोर से बिलोंग नहीं करता है,
एक्स दिल्ली और बैंगलोर से बिलोंग नहीं करता है, मतलब एक्स बैंगलोर से बिलोंग नहीं करता है, मतलब एक्स आ गया यहाँ पे है बैंगलोर, यहाँ पे एक्स आ गया तो यहाँ आ गया एफ। दिल्ली से भी बिलोंग नहीं करता है, मतलब दिल्ली यहाँ नहीं आएगा तो दिल्ली आ गया यहाँ पे नीचे, ये हो गया दिल्ली, और ऊपर एक ही जगह बची मुंबई की, तो यहाँ आ गया मेरा मुंबई। फाइन भाई, यहाँ तक मेरा पूरा अरेंजमेंट बन गया। अब बताओ आपको क्या डाउट आया इसमें? कुछ भी डाउट है मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जिससे मैं अभी के अभी आपके वो डाउट्स को क्लियर आउट कर सकता हूँ। ये मेरा फुल पूरे के पूरा अरेंजमेंट बन गया। अब कुछ भी डाउट है तो यहाँ मुझे अभी के अभी बता दो, जिससे मैं अभी क्लियर कर सकूं आपके डाउट। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां मैं इस पूरे सेशन का पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा, तो वहां से ये भी अपलोड कर लेना। और उसी के साथ अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में, या फिर मैं आप लोगों के साथ तो व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर चुका हूं, किसी पर भी आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। फाइन गाइस, ये वाला जो एक पजल था ना, थोड़ा प्री के ऊपर का लेवल का था मैं मानता हूं, बट आप ये मानो कि भाई SBI आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है, तो आपको हमेशा इस लेवल के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। फाइन, अब आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास में हर चीज क्लियर हो गई होगी। भाई अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी क्लियर आउट करे बिना कहीं मत जाना। फाइन, और अगर आज की क्लास पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। भाई क्लास को लाइक जरूर जरूर करना, भाई लाइक करोगे शेयर करोगे तभी ये वाला जो अपना क्लास होता है ये यूट्यूब पर ऊपर रैंक करता है। और जितना YouTube पर ऊपर रैंक करेगा भाई, जब भी कोई बंदा फ्लोर पेज पजल को सर्च करेगा तो उसको ये वाला पजल सबसे पहले मिलेगा, तो आप समझो उसकी भी कितनी मदद हो पाएगी। फाइन, तो ऐसे ही सबकी मदद करते हुए चलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी जरूर करना इस क्लास को, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फाइन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर, अपना ध्यान रखना एंड कीप प्रिपेयरिंग।